हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल टाइम अशोक पे बहुत बहुत स्वागत है। और प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव आपके लिए एक नई अपडेट लेकर आया हूँ कि हरियाणा में हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर 3837 पदों के लिए दोबारा से आवेदन मांगे गए हैं। आज इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि किस भर्ती के लिए दोबारा से आवेदन मांगे गए हैं और कोर्ट की कौन सी नोटिफिकेशन, कौन सी HSSC की बात को कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए दोबारा से विद्यार्थियों के फॉर्म भरवाने के लिए विभाग को या HSSC को इसके लिए बोला गया है और HSSC ने दोबारा से इसका लिंक ओपन कर दिया गया है। तो जो विद्यार्थी जानना चाहता है कि किस भर्ती के दोबारा से फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी और किस किस पदों के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि सरकारी नौकरी से संबंधित, हरियाणा से संबंधित हर अपडेट सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुँचाई जाती है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट में केस करने वाले बिना एचटेट के उम्मीदवारों को PGT पदों पर आवेदन करने की अनुमति मिली है। HSSC ने अगस्त 2019 में विभिन्न पदों और विषयों के लिए 3837 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जारी विज्ञापन 13/2019 के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि करीबन 60 विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं कर पाए थे और उन्होंने हाई कोर्ट में दोबारा से केस किया है, तो उसके लिए विभाग ने इनको राहत दी है। उम्मीदवारों का आरोप था कि HSSC की ओर से उन्होंने आवेदन के हक से वंचित किया जा रहा है। इसके बाद केमिस्ट्री, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, फाइनल आर्ट और आपका मैथमेटिक्स, शारीरिक शिक्षा विषयों के उम्मीदवारों ने केस कर दिया था। इसमें इन्होंने बताया कि फाइन आर्ट एसोसिएशन के प्रधान व अधिवक्ता दिग्विजय जाखड़ा ने बताया है कि सवित्रा व मोनिका रानी के बाद की जस्टिस ऋतु भारी की अदालत में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने मुझे उन उम्मीदवारों को भर्ती में शामिल करने के लिए आदेश जारी किए हैं। केस में पार्टी है, केस की अगली सुनवाई 22 मई तय की गई है। तब तक HSSC केस में शामिल उम्मीदवारों को फॉर्म भरवाने की अनुमति रहेगी। दोबारा विज्ञापित जारी होने के इंतजार में कई नहीं कर पाए थे आवेदन। HSSC ने अगस्त 2019 में विज्ञापन जारी कर विभिन्न विषयों के लिए 3837 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें PGT पदों के लिए आवेदन करने के लिए MA BEd के साथ एस्टेट अनिवार्य था। इस शर्त के विरोध में फाइन आर्ट के कुछ उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में केस दायर किया था। इनका तर्क था कि उन्होंने बिना एस्टेट के आवेदन का मौका दिए जाए क्योंकि डबल बेंच में एस्टेट से संबंध में मामला अभी विचाराधीन है और बिना उसके अंतिम निर्णय के एस्टेट के उम्मीदवारों का हक छीना गलत है। उच्च न्यायालय ने उन उम्मीदवारों को भर्ती में शामिल होने का प्रोविजनली मौका दे दिया है। इसके बाद 27 जनवरी 2020 को HSSC ने नोटिफिकेशन जारी कर उन सभी उम्मीदवारों को 3 से 7 फरवरी 2020 के बीच में फार्म भरने के लिए कार्यालय में बुला लिया है, जबकि अन्य उम्मीदवारों ने सोचा कि सरकार इस विज्ञापन को दोबारा से प्रकाशित करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फाइन आर्ट एसोसिएशन के प्रधान व अधिवक्ता दिग्विजय जाखड़ा ने बताया है कि सरकार NCTE की गाइडलाइंस की अवहेलना कर रही है। NCTE की गाइडलाइन के अनुसार PGT के लिए पूरे भारतवर्ष में कहीं भी टेस्ट या अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रावधान नहीं है, जिनको लेकर उन्होंने पहले ही डबल बेंच में एस्टेट तथा सर्विस रूल को चैलेंज किया है। NCTE की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए उच्च न्यायालय ने उम्मीदवारों को राहत प्रदान की है। इस फैसले से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। दोस्तों, PGT की कुछ समय पहले भर्ती के लिए आवेदन फार्म मांगे गए थे। इसमें विद्यार्थियों का तर्क था कि पहले जब हरियाणा की तरफ से PGT पदों के लिए भर्ती करवाई गई थी तो उस भर्ती के अंदर इन्होंने एचटेट की जो शर्त है उसको इंक्लूड नहीं किया था। उन्होंने इस शर्त को इंक्लूड किया था कि आप आज एग्जाम देके एग्जाम को फाइट करके आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हो और भविष्य में 5 से 7 या 10 साल का इनको समय दिया था कि इतने समय के भीतर आपको अपना एचटेट पास करके विभाग को उसकी सर्टिफिकेट जमा करवानी होगी। तो बहुत से विद्यार्थियों ने तो एचटेट पास करके उसकी सर्टिफिकेट जमा करवा दी है और बहुत से ऐसे टीचर हैं जिनका एचटेट अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो आगामी जो अभी भर्ती की गई है उसमें विद्यार्थी
प्रत्यर्थियों का ये कहना था कि भाई हमें भी एचटेट में छूट दी जानी चाहिए। इसको लेकर विद्यार्थियों ने हाई कोर्ट में केस दायर किया था और केस दायर करने के बाद इन्होंने इसमें छूट का प्रावधान दिया है, दोबारा से फार्म भरने की अनुमति दी है पीजीटी पदों के लिए। जिन विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं कर पाए थे एचटेट की वजह से, उनको एक दोबारा से मौका दिया गया है और ये आदेश हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। अगली इनकी सुनवाई जो है वह 22 मई को होगी, उसमें क्या नया निष्कर्ष निकल के आता है इसके बारे में भी आपको विस्तार से इसकी जानकारी दी जाएगी। जो विद्यार्थी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि पीजीटी से संबंधित कोई भी नई अपडेट आप हम लोगों तक पहुँचती है तो आपके साथ शेयर की जाएगी। आज की वीडियो में यही सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बहुत जल्द हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।